हेलो फ्रेंड नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्राफ न्यूरल नेटवर्क के बारे में ग्राफ न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और इसका आर्किटेक्चर क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है तो इसके बारे में हम जानेंगे आज सो व्हाट इज ग्राफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन अ कलेक्शन ऑफ एंटाइटिस सो ये रिलेशन बिटवीन कलेक्शन ऑफ एंटाइटिस मीन्स एजेस और नोट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है तो ग्राफ के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक तो हमारा वर्डेक्स होता है एज होता है ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं सो नंबर ऑफ नोट्स लॉन्गेस्ट पाथ सो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, मतलब इन्फॉर्मेशन हो गया हमारा और वर्डेक्स मीन्स हमारा जो नोट जो सर्कल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमारा वर्ड हो गया एंड हमारा एज जो हम इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को लिंक कर रहे हैं तो ये है हमारा एज हो गया नाउ ईच नोड एज और द इंटायर ग्राफ कैन वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ दिस पीस ऑफ द ग्राफ वी कैन एडिशनली स्पेशलाइज ग्राफ्स बाय एसोसिएटिंग डायरेक्शनलिटी टू एजेस डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड इसमें जैसे कि हम जो हमारा वर्टेक्स और नोट का जो अम्बेडिंग है वो बेसिकली हम स्टोर करते हैं तो ग्राफ बेसिकली कुछ स्टोर द सम इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है कुछ इन्फॉर्मेशन को नोट कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा हमारा एजिस हैं जो हमारी लिंक है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखेंगे राइट दें के बाद हमारा जो मास्टर नोड होगा उसका कुछ एम्बेडिंग होगा राइट तो इस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं और नोट का एम्बेडिंग होता है एच का एम्बेडिंग होता है और हमारे जो होल ग्राफ का एक कंप्लीट एम्बेडिंग होगा जो कि एक होल ग्राफ को रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा एट अ हाई लेवल सो ये हमारा ग्राफ हो गया सो ग्राफ बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं तो इसमें बेसिकली डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड वेयर टू फाइंड देम You are probably already familiar with some types of graph data such as social networks however graphs are an extremely powerful and general representation of data we will show two types of data that you might not think could be modeled as graphs images and text so have you ever uh, think uh, images as a graph and text as a graph सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इमेजेस को भी हम ग्राफ की तरह विजुलाइज कर सकते हैं और टेक्स को भी विजुलाइज कर सकते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेजेस को ग्राफ की तरह विजुलाइज करेंगे तो इसमें आप ये मैट्रिक्स uh, देख रहे हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जो बॉक्सेस बने हुए हैं उसके अंदर पिक्सल वैल्यू स्टोर्ड है राइट सो फर्स्ट वाला हमारा जो रिलेशन है मतलब उसको हम अगर नंबरिंग कर दें इंडेक्सिंग कर दें रो और कॉलम को जीरो वन टू थ्री फोर जीरो फोर तो जैसे कि आप देख रहे हैं जीरो टू वन राइट ये हमारा नोट हो गया इसके बीच का जो रिलेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इस बॉक्स एंड जीरो टू वन मीन्स हमारा जो नोट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है मतलब हमारा जो पिक्सल है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है राइट right? तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारा जो आ, है वो नेवर से कनेक्टेड है पर कैसे क्या इन्फॉर्मेशन वो कंटेंट करता है नेवर का और वो खुद में क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है तो इस तरीके से हम इमेजेस को एज अ ग्राफ विजुलाइज कर सकते हैं जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं जीरो टू जीरो राइट right? इसमें अगर आप जीरो टू जीरो देखेंगे right? तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा राइट एंड समथिंग समू वन टू वन एंड टू जीरो इन्फॉर्मेशन होगा राइट right? तो ये इन्फॉर्मेशन ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इसका जो बॉक्स है वो एक्चुअली ब्लैक हो गया है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है तो इस तरीके से हमको हम बेसिकली एडजेंसी मैट्रिक्स बोलते हैं जिसको हम एज अ ग्राफ में अगर विजुलाइज करना चाहें तो एडजेंसी मैट्रिक्स की मदद से कर सकते हैं बाद एडजेंसी मैट्रिक्स को हम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राफ uh, में बेसिकली इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको बेसिकली uh, जो बॉक्सेस हैं उनको नोड बना देंगे और नोड को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर देंगे जैसे जैसे उसका लिंक होगा राइट right? तो इस तरीके से हम इमेज को ग्राफ की तरफ यूजलाइज कर रहे हैं इसके बाद टेक्स्ट एज ए ग्राफ सो नाउ अगर आप uh, ग्राफ आर ऑल अराउंड अस इसको अगर आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे इनके बीच में रिलेशन बिटवीन फाइंड आउट करेंगे तो आप इस तरीके से मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे देन इसके बाद आप इसमें जो इसका रिलेशन है मतलब समथिंग वैल्यू मतलब ये कितना एक दूसरे से वर्ड रिलेट कर रहा है तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को भी ग्राफ की तरह विजुलाइज कर सकते हैं नाउ ग्राफ डेटा सेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो कराटे क्लब डोमेन्स का एंड ग्राफ्स नंबर ऑफ ग्राफ्स कितने हैं वन है, है सोशल नेटवर्क सो डोमेन्स का सोशल नेटवर्क है नोड नंबर ऑफ नोड्स इसके 34 हैं एंड एजेस 78 हैं देंस के बाद एजेस पर नोड डिग्री मीन 4.5 मैक्स 17 QM9 स्मॉल मॉलिक्यूल्स सो बेसिकली ये मेडिकल डेटा ग्राफ है डेटा सेट है

साइंटिफिक पेपर्स होते हैं उनका जो साइटेशंस नेटवर्क होता है कि आपने अपने पेपर में दिया देन आपका पेपर दूसरे पेपर में साइटेशंस उसमें दिया हुआ है तो इस तरीके से ये कोरा डेटा सेट है तो इसमें नंबर ऑफ ग्राफ्स एक ही है और इसके अंदर जो नोट्स हैं बेसिकली टू थ्री वन सिक्स सिक्स इतने नंबर ऑफ नोट्स हैं इसमें आईजीएस हैं नाइन वन फाइव जीरो जीरो तो ये बेसिकली नोड एंड ग्राफ्स एंड एजेस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है Then, के बाद विकीपीडिया लिंक्स हैं इंग्लिश में नॉलेज ग्राफ है ये बेसिकली इसमें नोट्स हैं वो ट्वेल्व मिलियन नोट्स हैं एंड एजेस हैं थ्री सेवन एट मिलियन तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये डेटा सेट है और कितना बड़ा ये ग्राफ है एक्चुअली सो so, हमने डिस्कस किया ग्राफ डेटा सेट्स के बारे में और इसमें हमने फाइंड आउट किया कि नंबर ऑफ नोट्स क्या हैं एजेस क्या हैं और जो उनके बीच में कनेक्टिविटी है वो कितने नंबर ऑफ एजेस से कनेक्टेड है मिनिमम मीन एंड मैक्स नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हैव ग्राफ स्ट्रक्चर डेटा देयर आर थ्री जनरल टाइप ऑफ प्रिडिक्शन टास्क ऑन ग्राफ्स, ग्राफ लेवल नोड लेवल एज लेवल इन ग्राफ लेवल टास्क वी प्रिडिक्ट सिंगल प्रॉपर्टी फॉर अ होल ग्राफ For a node level task we predict some property for each node in a graph for an edge level task we want to predict a property or presence of edges in a graph so graph level task in a graph level task our goal is to predict the property of an entire graph for example for a molecule represented as a graph we might want to predict वर्ड मॉलिक्यूल स्मेल्स लाइक और वेदर इट विल वाइंड टू अ रिसेप्टर इम्प्लीकेटेड इन अ डिसीज सो हमारे एक मॉलिक्यूल है उसका एक कनेक्टिविटी है मॉलिक्यूल्स uh, के साथ में देन हम इसको क्लासीफाई करेंगे कि ये स्मेल कैसे करता है राइट right? देन इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारे जो रिसेप्टर उसके साथ में वाइंड करेगा या नहीं करेगा तो ये हमारे प्रोडिक्शन टास्क हो गए विथ ग्राफ सो so, अभी तक हमने जी के बारे में डिस्कस नहीं किया है तो जी में हम ये अपना इंटन बना रहे हैं कि आ, कितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं ऑन ग्राफ लेवल सो so, नोड लेवल टास्क क्या होता है कि हम नोट को क्लासिफाई करेंगे राइट सो so, जैसे कि इसमें आ, हमने क्लासिफाई किया है एलिजियंस टू जॉन ए एलिजियंस टू मिस्टर हाई सो so, इसमें बेसिकली ये ग्राफ है सोशल नेटवर्क ग्राफ है तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोडिक्ट करना है कि नंबर ऑफ पीपल किसकी तरफ है राइट जैसे कि जॉन ए की तरफ है, right? की तरफ है को, कुछ लोग राइट मिस्टर हाई की तरफ कुछ लोग होंगे तो ये एक पॉलिटिशियन ग्राफ मतलब एट्रीब्यूट का हमने प्रोडिक्शन किया है कि हमने क्लासिफाई किया है कि कितने लोग जॉन ए को सपोर्ट कर रहे हैं कितने लोग मिस्टर हाई को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने ये क्या किया नोड लेवल पे किया तो ईच नोड इज अ पर्सन तो पर्सन के कुछ इन्फॉर्मेशन होगा फीचर्स होंगे राइट right? फीचर्स uh, होंगे इसमें कुछ राइट right? तो हर नोट को हमने क्लासिफाई किया एंड देन इसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये इस ग्रुप को बिलोंग करता है तो हम देखेंगे किस तरीके से हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं देन इसके बाद एज लेवल टास्क द रिमेनिंग प्रिडिक्शन प्रॉब्लम इन ग्राफ्स इज एज प्रोडिक्शन सो so बेसिकली आप जैसे कराटे डेटा सेट को देख रहे हैं तो इसमें पीपल्स बेसिकली हैं और इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने हैं कि ये दो पीपल खड़े हैं तो ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं और सपोज ये दो जॉन एंड डैनियल ये दोनों फाइट कर रहे हैं तो इसके बीच का जो रिलेशन uh, होगा वो फाइटिंग होगा देन इसके बाद जो रेफरी है वो वॉच कर रहा है इनको देन इसके बाद ऑडियंस है उसको वॉच कर रही है Dance के बाद ऑडियंस बेसिकली दोनों जॉनी और डेनियल को वॉच कर रही है तो इस तरीके जो जो uh, का जो रिलेशन है जो एज प्रिडिक्शन है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है नोड राइट नोड टू नोड क्या रिलेशन है तो वो प्रिडिक्शन एज लेवल टास्क में आ जाता है द चैलेंजेस ऑफ यूजिंग ग्राफ्स इन मशीन लर्निंग द फर्स्ट स्टेप इज टू थिंक अबाउट हाउ वी विल रिप्रेजेंट ग्राफ्स टू बी नेटवर्क तो हमारा ये पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें कि हम अपने ग्राफ को कैसा बनाएं कि हम न्यूरल नेटवर्क के साथ में इसको यूज कर पाए ग्राफ्स है ग्राफ्स कनेक्टिविटी इज मोर कॉम्प्लीकेटेड पर मोस्ट ऑब्वियस चॉइस would be to use an adjacency matrix since this is easily tensorizable however this representation has a few drawbacks from the example dataset table we see the number of nodes in a graph can be on the order of millions and number of edges per node can be highly variable Often this lead to very sparse adjacency matrix बीच आर स्पेस इंसफिशियंट सो बेसिकली एक हमारा इसके साथ प्रॉब्लम होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ नोट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा जो स्पेस इंसफिशियंट होता जाएगा हम उसको मशीन लर्निंग के साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हाईली मतलब ये स्पेसियस हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ मिलियंस में नोट चले जाएंगे एंड देन उसके बाद फीचर्स हो जाएंगे उसको उसको फिर वन बाय वन नोट को क्लासिफाई करना तो इस तरीके की ये प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेंगी जब हम उनको मशीन लर्निंग प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे एंड प्रॉब्लम इज डैट देर आर मैनी एमरजेंसी मेट्रिस डैट कैन इंकोडेड द सेम कनेक्टिविटी एंड देर इज नो गारंटी डैट दिस डिफरेंट मैटिस वुड प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट इन अ डीप न्यूरोल नेटवर्क डैट इज टू से दे आर नॉट परम्यूटेशन इन वेरियंट सो इसमें एक हमारा परम्यूटेशन वेरियंट प्रॉब्लम आ जाता है कि हम जो नोट का ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें अगर मशीन लर्निंग इनपुट में राइट right, तो क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो वेरी करेगा तो इसको हमको परम्यूटेशन वेरियंट बनाना पड़ेगा तो ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया कि हमारा नोट का जो ऑर्डरिंग है वो कुछ भी रहे हमको सेम रिजल्ट मिले सो so, One elegant and way of representing is a list. आप इसमें देख रहे हैं एडजेंसी लिस्ट हमने डिजाइन किया है तो इस तरीके से आप एडजेंसी लिस्ट यूज कर सकते हैं राइट तो मेमोरी एफिशियंट रहता है ये टू मेक दिस नोटेशन कॉन्क्रीट वी कैन सी हाउ इन्फॉर्मेशन Uh, different graph might be represent under this specification. So हम अभी डिस्कस करेंगे ग्राफ न्यूरोल नेटवर्क के बारे में अभी हमारा मेन जो पार्ट है वो GNN एन एन पे फोकस करेंगे सो नाउ दैट द ग्राफ्स डिस्क्रिप्सन इज इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट दैट इज परमिटेशन इन वेरियंट वी विल डिस्क्राइब

प्रिडिक्शन uh, टास्क को सॉल्व करते हैं तो इसमें हम बेसिकली परम्यूटेशन इन को बेसिकली uh, यूज करते हैं जब भी हम अपने ग्राफ को न्यूरल नेटवर्क से पास करेंगे तो जो उसका प्रिजर्वेशन है 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 जो सिमेट्री वो प्रिजर्व रहती है। उसका कोई चेंज नहीं होता जैसे हमने पास किया वैसे ही हमको ग्राफ आउटपुट में मिलेगा वी आर गोइंग टू बिल्ड यूजिंग द मैसेज पासिंग न्यूरल नेटवर्क फ्रेमवर्क प्रोपोज बाई गिल यूजिंग द ग्राफ नेट आर्किटेक्चर सीमेंटिक्स इंट्रोड्यूस बाई सॉजी हम यूज करेंगे जीएनएन को बिल्ड करने के लिए जो कि ऑलरेडी uh, uh, इसके ऊपर पेपर पब्लिश किया गया है जीएनएन ग्राफ इन ग्राफ आउट आर्किटेक्चर मीनिंग डेट दिस मॉडल टाइप्स एक्सेप्ट अ ग्राफ एज अनपुट विथ इन्फॉर्मेशन लोडेड इन टू इट्स नोट्स एज एज ग्लोबल कॉन्टेक्सट एंड प्रोग्रेसिवली ट्रांसफॉर्म कनेक्टिविटी ऑफ द इनपुट ग्राफ सो जो हमारे जी एन एन है वो किस मेथोलॉजी से बना हुआ है इसमें बेसिकली हम जी एन एन में क्या करते हैं हम ग्राफ को इनपुट देते हैं और जैसा ग्राफ हमने इनपुट दिया है वैसे ग्राफ हमको आउटपुट में मिलता है सो so, इस आर्किटेक्चर को हम फॉलो करते हैं सो इसमें जो कनेक्टिविटी होती है नोड टू नोड राइट तो ये चेंज नहीं होती है बस इसमें जो चेंज चेंजेबल पार्ट होता है हमारा वो एम्बेडिंग्स होता है एम्बेडिंग्स हम कैसे चेंज करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि जो हमारी एम्बेडिंग्स होती हैं वो कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं जब हम ये इंफॉर्मेशन को पास ऑन on करेंगे वन लेयर टू अनदर लेयर एंड देन इसके बाद हमको फाइनल लेयर मिलेगा जिसमें हमको अपडेटेड एम्बेडिंग्स मिलेंगी ग्राफ न्यूरल नेटवर्क सो so, इसमें आप देख रहे हैं कि लेयर एन और लेयर एन प्लस वन तो इसमें आप बेसिकली आपको समझना ये होगा कि हमारे पास तीन चीजें हैं तीन कंपोनेंट हैं सो दिस जी एन एन यूजेज अ सेपरेट मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन ऑन ईच कंपोनेंट ऑफ अ ग्राफ वी कॉल दिस जी एन एन लेयर सो जी एन एन बेसिकली तीन कंपोनेंट्स मतलब ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया वर्टेक्स हो गया और एजेस हो गया इन तीनों कंपोनेंट पे सेपरेटली क्या करता है न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करता है देन ये हमारा ट्रांस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन हो गया जो भी इस इंफॉर्मेशन जो हमारा स्टोर्ड है से है मतलब जो नोट्स हैं हमारे उनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन में जाएगा मीन्स न्यूरल नेटवर्क में जाएगा देन उसके बाद हमको अपडेटेड इसका एम्बेडिंग मिल जाएगा और जो हमारा कनेक्टिविटी होगा वो सेम रहेगा सो लाइक दैट हमारा जो फंक्शन है हमारा ये न्यूरल नेटवर्क फंक्शन है इसमें हमने क्या पास किया है ये तीन एट्रीब्यूट्स को पास किया है सेपरेट नेटवर्क में फर्स्ट नेट मतलब हमारा जो फर्स्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन है यू हम सेपरेट नेटवर्क से पास करेंगे एंड हमारा वी है सेपरेट नेटवर्क से पास करेंगे एंड हमारे ई e है हम सेपरेट नेटवर्क से पास करेंगे जैसे हम ये पास कर देंगे इन्फॉर्मेशन जो हमको अपडेटेड इसका जो एम्बेडिंग मिलेगा वो हम स्टैक कर लेंगे वन बाई वन वी यू ई इस तरीके से हमारा ये एक लेयर कहलाएगा जो कि हम लेयर एन से लेयर एन प्लस वन में पहुंच गए हैं ग्राफ इन ग्राफ आउट और ये जिसमें हम इन कर रहे हैं वो हमारा न्यूरल नेटवर्क है एफ राइट सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फॉर इच नोड वेक्टर वी अप्लाई द एम एल पी एंड गेट बैक गेट बैक अ लर्न नोड वेक्टर वी डू द सेम फॉर इच एज लर्निंग अ पर एज एम्बेडिंग एंड ऑल्सो फॉर द ग्लोबल कॉन्टेक्ट वेक्टर लर्निंग अ सिंगल एम्बेडिंग फॉर द एंटायर ग्राफ As is common with neural network mo modules or layers, we can stack these GNN layers together because the GNN does not update the connectivity of the input graph. We can describe the output graph of a GNN with the same agency list and the same number of feature vector as an input graph. आउटपुट ग्राफ हैज अपडेटेड अपडेटेड सिंस ग्राफ हैज ऑफ नोड एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स रिप्रेजेंटेशन सो जीएनएन एन बाय पूलिंग बाई सो सपोज हमारे पास नोड नोड एम्बेडिंग की इंफॉर्मेशन है पर हमारे पास एजेस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम नोट का इंफॉर्मेशन के साथ में करेंगे, करेंगे। बाद हम सो वी हैव बिल्ड अ सिंपल बट हाउ दिस फ्रेमवर्क कैन इजली बी एक्सटेंडेड टू द मल्टी क्लास रिग्रेशन केस इफ द टास्क इज टू मेक बाइनरी प्रिडिक्शन ऑन नोट्स एंड द ग्राफ ऑलरेडी कंटेंट फॉर्मेशन द अप्रोच इज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर इच नोड एम्बेडिंग अप्लाईनियर क्लासिफायर सो क्या किया हमने की कि इसमें नोड है उसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है हम डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए नोड क्लासिफिकेशन के लिए लीनियर क्लासिफायर सो नाउ हाउ एवर इट इज नॉट ऑलवेज सो सिंपल फॉर इंस्टेंस यू माइट है ग्राफ स्टोर्ड इन एजिस बट नो इन्फॉर्मेशन इन नोट सो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो एजिस में स्टोर किया हुआ है पर नोट के अंदर स्टोर नहीं है बट स्टिल नीड टू मेक प्रिडिक्शन पर आपको प्रिडिक्शन करना है नोट के ऊपर वी नीड अ वे टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एजिस एंड गिव दैम टू नोट फॉर प्रिडिक्शन पोलिंग प्रोसेड इन टू स्टेप्स फॉर ईच आइटम टू बी पोल टू गैदर ईच ऑफ देर एम्बेडिंग एंड कॉन्क्रेट दैम इन टू अ मैट्रिक्स the gathered embedding are then aggregated usually via some operation. We represent the pooling operation by the letter P and denote we are gathering information edges to nodes as P edges to vertex, vertex means node. So if we only have एज एज लेवल फीचर्स एंड आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट बाइनरी प्रिडिक्टन वी कैन यूज पुलिंग टू राउट इंफॉर्मेशन टू वेर इट नीड्स टू गो द मॉडल लुक्स लाइक दिस सो जहां इन्फॉर्मेशन उनको पास करना है तो हम पुलिंग का यूज करेंगे तो पुलिंग मेथोलॉजी का यूज करेंगे सपोज हमारे पास वर्टेक्स है इसपे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे पुलिंग अप्लाई करेंगे तो पुलिंग जो रिप्रेजेंट uh, कर रहे हैं पी से कर रहे हैं तो एज टू वर्ड टैक्स राइट हमने कंबाइन किया पुलिंग फंक्शन के बाद हमने क्या किया इसको जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम बैडिंग, हमने क्या कि यार हमने न्यूरल नेटवर्क से पास कर दिया और हमको प्रोडिक्शन मिल गया एट नोड लेवल तो इस तरीके से हम पुलिंग इन्फॉर्मेशन मेथोलॉजी का यूज करेंगे फॉर प्रिडिक्टिंग नोड जीएनएन प्रोडिक्शन

एवेलेबल नोड इन्फॉर्मेशन टूगेदर एंड एग्रीगेट दैन सो सिमिलरली अगर हमको ग्लोबल कॉन्टेक्ट का इन्फॉर्मेशन प्रिडिक्ट करना है तो हम सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और प्रिडिक्ट कर देंगे सो नाउ इन आवर एग्जाम्पल द क्लासिफिकेशन मॉडल सी कैन इजिली बी रिप्लेस्ड विथ एनी डिफरेंशियल मॉडल और एडेप्टेड टू मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन यूजिंग अ जर्नलाइज लीनियर मॉडल So, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमारा इनपुट ग्राफ है सो ग्राफ दिस हर वर्टेक्स, हर हर ग्लोबल कॉन्टेक्स का जो एम्बेडिंग है वो हम सेपरेट न्यूरल ब्लॉक से पास करेंगे और उसको स्टैक करेंगे जिस तरीके से ये स्टैक किए हुए हैं सो so, ये हमारा फर्स्ट हो गया वर्टेक्स के लिए ये एज के लिए हो गया देन इसके बाद ये हमारा थर्ड uh, वन हो गया ग्लोबल uh, कॉन्टेक्स्ट के लिए तो इसमें जो हैं हर चीज का वो हम स्टैक बाई स्टेप इस तरीके से स्टोर कर देंगे वर्टेक्स का, हर वर्टेक्स का का हर देन इसके बाद मतलब जो भी हम न्यूरल नेटवर्क से पास कर रहे हैं उस सभी का राइट इस तरीके से हम जी एन एन ब्लॉक देंस के बाद जो हमारा फिर उसको हम रीबिल्ड करेंगे ग्राफ को तो हमको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड जो इंफॉर्मेशन रिच ग्राफ है वो हमको इधर मिल जाएगा देंस के बाद हम जो हमारी लेयर्स हैं लेयर्स मीन्स वर्टेक्स लेयर एज लेयर ग्लोबल कॉन्टेक्स लेयर उनको क्लासिफाई कर देंगे देन बाद हमको प्रडिक्शन मिल जाएंगे इन सभी कंपोनेंट के ऊपर नोट के ऊपर एच के ऊपर एंड ग्लोबल कॉन्टेक्ट के ऊपर सो नाउ वी हैव डेमोस्ट्रेटेड दैट वी कैन बिल्ड अ सिंपल जी एन एन मॉडल एंड मेक बाइनरी प्रिडिक्शन बाई राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्राफ दिस पुलिंग टेक्निक विल Serve as a building block for constructing more sophisticated GNN models. If we have new graph attributes, we just have to define how to pass information from one attribute to another. Note that in this simplest GNN formulation, we are not using the connectivity of graph.

embedding aware of graph connectivity we can do this using message passing where a neighboring node or edges exchange information and influence each other's updated embeddings message passing work in three steps so message passing works in three steps for each node in the graph gather all the neighboring node embeddings or messages which is the g function described aggregate all messages via aggregation function like some all pulled message are passed through updated function usually a learned neural network just a pooling can be applied to either nodes edges message passing can occur between either nodes or edges. So these steps are key for leveraging the connectivity of graph we will more elaborate

जो भी हमारा नंबर ऑफ नोट्स हैं नोट आई पे हमको बेसिकली uh, इसको अपडेट करना है बेडिंग्स को जो भी इसके नेबरिंग बेडिंग्स होंगे उनको हम बेसिकली मैसेज पासिंग मेथोलॉजी का यूज करेंगे देन के बाद हम न्यूरल नेटवर्क से पास कर देंगे जो भी उसका प्रोडिक्शन होगा तो हमको लेयर एन प्लस वन ग्राफ आउट मिल जाएगा